विराट कोहली की सारी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है। मेरे ख्याल से वो ग्रेट प्लेयर है, हमेशा उसने परफॉर्म किया। यह टाइम हर किसी पे आता है, हर प्लेयर पे आता है, बैट पैच आता है, फिर थोड़ा लंबा रह जाता है, लेकिन उसको निकालेगा ये खुद ही विराट कोहली। पहला दिन टेस्ट मैच गोल में, और जैसे गोल में बॉलिंग की गई है, फास्ट बॉलर्स ने ज्यादा विकेटें ली हैं, और लग रहा था कि स्पिनर्स आउट करेंगे, लेकिन स्पिनर्स अगर स्पेशलिस्ट खिलाए हों तो वो आउट करे। यासिर शाह को एक साल के बाद कमबैक कर रहा है। मोहम्मद नवाज, मेरा नहीं ख्याल कि 2 साल पहले उसने, 3 साल पहले टेस्ट मैच खेला हुआ, आपने उसको इस टेस्ट मैच में खिलाया, फिर इंजरी के बाद वो आया PSL में, जैसे इंजरी हुई है, लास्ट सीरीज वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला है। तो मुझे समझ नहीं आई कि 11 क्या सोच के बनाए हैं। ये सोच के बनाए हैं कि यार ये बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है, ये नहीं सोचा कि आउट किसने करने हैं। अगर शहीन आउट ना करे, हसन ना आउट करे, तो फिर लग पता जाए तानू कि टेस्ट क्रिकेट होंगी की है। पता नहीं अक्ल पे पर्दा डला हुआ है कि 11 क्या बनाने हैं, क्या खिलाने हैं, कोई समझ नहीं आ रही। डेब्यू हुआ सलमान अली आगा का, मुबारक, और यंग है, परफॉर्म किया हुआ है, वेट कर रहा था अपनी बारी का, मौका मिला है, और खुशी की बात है उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, और अल्लाह करे वो परफॉर्म करे, अपनी जगह पक्की करे। लेकिन इस टेस्ट मैच में स्पेशलिस्ट 6 बैट्समैनों के साथ जाना चाहिए था, और उसके साथ फिर 4 बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, 2 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते, 2 स्पिनर्स के साथ जाते। नुमान अली को जहाँ खिलाना चाहिए था वहां पे खिलाया नहीं, 1 साल से आपकी टीम के साथ है और खेल रहा है, रेगुलर मेंबर है, आउट भी कर रहा है, एक आधे टेस्ट मैच में नहीं हुआ, लास्ट सीरीज में आउट, तो आपने बाहर निकाल दिया, जहां पे उसकी जरूरत थी वहां पे आपने खिलाया नहीं। ब्रेक पिच होती है तो आपने बाहर बिठा दिया, जब सीधे फ्लैट पिच है तो वहां पे आप कहें स्पिनर्स आउट करके दे, ऐसा तो नहीं हो सकता जैसे लास्ट सीरीज खेले हैं। खैर, आज के टेस्ट मैच में होता तो शायद उसको कॉन्फिडेंस मिलता, आउट करता। उसके साथ फहीम अशरफ रेगुलर खेल रहा है, आपने उसको भी नहीं खिलाया, सरप्राइज हुआ कि ये तीनों नहीं खेले। लेकिन श्रीलंकन टीम ने अच्छा कमबैक किया, 222 रन बनाए, दिनेश चंदीमल ने जबरदस्त बैटिंग की है, और उसके साथ फिर 10वें और 11वें नंबर की जो पार्टनरशिप लगी 44+ रन की, जिसकी वजह से 222 रन बने हैं, एक फाइटिंग टोटल बना पहली इनिंग्स का, और महेश ने 38 रन बनाए हैं। तो अच्छा मेरे ख्याल से कमबैक किया है श्रीलंकन टीम ने। अब पाकिस्तान टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे बॉलर्स ने आउट करके दी है तो अब बैट्समैनों का काम है। 2 मेन बैट्समैन आउट हो गए हुए हैं, 24 पे 2 आउट हैं, बाबर और अजहर अली पे बड़ी जिम्मेदारी है, और बॉलर्स ने ठीक ठाक मेहनत की है। इतनी गर्मी थी और फास्ट बॉलर्स ने आउट करके दिए हैं, जहां पे स्पिनर्स आउट कर रहे हैं। श्रीलंकन टीम में 1 फास्ट बॉलर्स खेल रहा है, बाकी स्पिनर्स खेल रहे हैं, हम 1 स्पिनर स्पेशलिस्ट खिला रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और 2 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। तो अंदाजा लगा लें कि हमारी मेंटेलिटी क्या है। हमारी मेंटेलिटी जीतने के लिए है कि बस खिला लें, जो सामने नजर आ रहा है उसको खिलाते जाएं। ऐसे तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर जीतना, और ऊपर रन्स भी करने बड़े जरूरी है। आपको पता है कि 6 बैट्समैनों की इसलिए बात कर रहा हूँ, लास्ट सीरीज बैट्समैन जहां बाबर आउट होता था या रिजवान आउट होता था, पूरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती थी। तो ये चीज सामने रखे 6 बैट्समैनों के साथ जाते तो अच्छा होना था। इम्पोर्टेंट है कल का दिन, स्टार्ट अच्छा, पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी है, और उसके साथ फिर रन्स करना बड़ा जरूरी है। लेकिन स्पिनर जैसे जयसूर्या, महेश जैसे बॉलिंग कर रहे हैं, लग रहा है कि बैट्समैनों को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना इजी नहीं है। अभी 24 रन हुए हैं और 2 आउट भी हो गए हुए हैं, और बाबर पे अजहर अली पे बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह करे ये लंबा जाए, इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी बैटिंग लाइनअप। 2 आपको पता है कि नए हैं, डेब्यूटेंट है, नवाज है, ऑलराउंडर है, तो उनके लिए इतना इजी नहीं होगा। तो इसलिए फवाद आलम इसलिए कह रहा हूँ कि उसका डेब्यू पे वहां पे 100 भी है, स्पिनर्स को अच्छा भी खेलता है, परफॉर्म किया हुआ है, 1-2 टेस्ट मैच में अगर ना परफॉर्म हो तो फिर आप ड्रॉप कर दें, फिर इतने अरसे बाद वो आया, तो इतना तो थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए और एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपने आप को दोबारा फॉर्म में ला सके, और यही एक बेस्ट ऑप्शन थी और यहाँ पे वो खेलता। और शाहीन अगेन, जैसे उसने लीड किया, बड़ा जबरदस्त लीड किया, आउट किए हैं, 4 विकेटें ली हैं, और लग रहा है कि ये अब लीड करेगा पाकिस्तान की बॉलिंग को। पैचेस आते हैं जैसे वसीम भाई, वकार भाई, शुएब,
शुएब अख्तर, उमर गुल, ये जैसे लीड करते थे फास्ट बॉलिंग को, तो अब शाहीन लीड कर रहा है, उससे पहले हसन अली कर रहा था, उससे पहले आमिर कर रहा था, तो एक अच्छा साइन अप पाकिस्तान टीम के लिए और अच्छा रिदम रहा। और इतना इजी नहीं था फास्ट बॉलर्स के लिए ऐसी पिच पे बॉलिंग करना, लेकिन क्या उन्होंने एनर्जी दिखाई है, क्या रिदम दिखाया, जिसकी वजह से शाहीन ने 4 विकेटें ली, अच्छा स्पोर्टिंग रोल दिया। और जैसे हसन अली ने 2 विकेटें ली हैं, नसीम शाह ने 1 विकेट ली है, यासिर शाह के लिए इतना इजी नहीं था, 2 विकेटें ली हैं, प्रेशर था उस पर भी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली हैं मैथ्यू की और मेंडिस की, टाइमली, जो एक्चुअली जो श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को जो प्रेशर में लेके आए, यही 2 बैट्समैन लेके आए जैसे वो शॉर्ट्स खेले हैं। और कल दूसरा तीसरा ओडीआई मैच इंडिया और इंग्लैंड का खेला जाएगा, पहले मैच में जैसे बुमराह ने 6 विकेटें ली हैं और उसके बाद फिर जीते हैं, हम बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है इंडियन टीम ने टेस्ट मैच के बाद, T20 सीरीज जीते हैं, फिर वनडे पहला जीत गए हैं, दूसरा वनडे भी जीत सकते थे अगर कोई पार्टनरशिप लग जाती, इतना बड़ा टोटल नहीं था, 246 रन थे, लेकिन खैर इंग्लैंड टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, कमबैक किया और तीसरे मैच पे जाके डिसाइड होगी सीरीज कौन जीतेगा। लेकिन फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है, विराट कोहली की सारी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उसकी फॉर्म नहीं है, मेरे ख्याल से वो ग्रेट प्लेयर है, हमेशा उसने परफॉर्म किया, यह टाइम हर किसी पे आता है, हर प्लेयर पे आता है, बैट पैच आता है फिर थोड़ा लंबा रह जाता है, लेकिन उसको निकालेगा ये खुद ही विराट कोहली, प्लेयर इतना बड़ा परफॉर्म इतना ज्यादा किया हुआ है, पैशन है उसको खेलने का, परफॉर्म करने का, वो पैशन उसको कम बैक करवाएगा, इतनी एबिलिटी है, इतनी परफॉर्मेंस है, स्टैट्स मेरे ख्याल से खुद ही बता देते हैं कि कितना बड़ा प्लेयर है। और मेरे ख्याल से स्टे स्ट्रांग, और ऐसे प्लेयर्स जब खेलते हैं, जब फॉर्म में आते हैं, तो आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो यंग होते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से बड़ी मोटिवेशन होती है, ऐसे प्लेयरों को खेलना, फॉर्म में आना बड़ा जरूरी होता है। तो मेरे ख्याल से जितने फैंस हैं उसमें से मैं भी हूँ कि फॉर्म में जितना जल्दी आएगा उतना अच्छा होगा, वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं वर्ल्ड क्रिकेट में कोहली के, वो देखना चाहते हैं उसको फॉर्म में, और उनकी टीम कितनी स्ट्रगल कर रही है नजर आ रही कोहली की वजह से, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, उसने सिंगल हैंडली मैच जितवाए हुए हैं, तो लेट्स सी कि कल के मैच में कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा खेल रहा था, आउट होता है, लेकिन यह है कि उसकी डेडिकेशन जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और पूरी उम्मीद है कि वो इस पैच से निकलेगा, जब वो पैच से निकलेगा तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और बेहतर होगी, और फिर कोहली फिर मेरे ख्याल से फिर ग्रेट सचिन के पास पहुंच जाएगा 100 करने में, लेकिन डिपेंड है कि काफी अरसा हो गया, 100 को ही हो, उससे कॉन्फिडेंस मिले, कोई लंबी इनिंग्स हो जिससे उसको कॉन्फिडेंस आए, वो खुद ही आएगा, उसको पता है कि क्या करना है, कैसे कॉन्फिडेंस आना है, वो बेहतर समझता, क्योंकि उसने इतना परफॉर्म किया हुआ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा प्लेयर है। बुमराह, शामी, जैसे उसने 150 विकेटें ली हुई हैं, शामी ने 80 मैचेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, और बुमराह नंबर 1 ODI क्रिकेट में हुआ हुआ है और डिजर्व करता है, टॉप टीमों के खिलाफ खेलता है, उसका वर्कलोड मैनेज किया जाता है और बड़ी समझदारी के साथ उसको यूज किया जाता है। ये 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो इंडियन टीम को बॉलिंग को लीड कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, अचीवमेंट है बहुत बड़ी इंडियन टीम की, और अच्छा कमबैक किया इंडियन टीम ने टेस्ट मैच के बाद, फिर पहला वनडे हारने के बाद इंग्लैंड टीम ने दूसरे मैच में बड़ी जबरदस्त विक्ट्री मिली उनको, लेट्स सी कल के मैच में कौन जीतता है, लेकिन ये दोनों टीमें वो बेस्ट टीमें हैं, डोमिनेट कर रही हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, और इंग्लैंड टीम को थोड़ा सा एज, मैं इसलिए बोलूंगा उनकी होम कंडीशन में खेला जा रहा है ये वाइट बॉल की सीरीज जो है, और इंडियन टीम वहां जाके परफॉर्म कर रही है, थोड़ा सा 45 इंडियन टीम के साथ है, 55 इंग्लैंड टीम के साथ है, जब ऐसी टीमें रिदम में फॉर्म में आती हैं तो मुश्किल करती हैं, लेट्स सी क्या होता है कल।